गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, दैट इज शिफ्ट्स एंड रोटेशन इन पीपीसी। पीपीसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम करेंगे उसमें शिफ्ट्स और रोटेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फिर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए मैं कोई कर्व बनाता हूँ, वी नो दैट दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर मान लीजिए मेरे पास एक्स की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू 100 है, तो मैं लिख सकता हूं 0, 100, राइट। तो इसका मतलब मैं उसको पॉइंट करूंगा यहां पर, मैं यहां पे मार्क करूंगा। इसको बोलेंगे हम y इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। मैं इसको नाम दे सकता हूं पॉइंट ए, राइट। अब मान लीजिए मेरे पास दूसरी जगह वैल्यू है x 100 एंड y 0, इसका मतलब 100, 0। तो मैं इसको जब कोऑर्डिनेट करूंगा, पॉइंट आउट करूंगा, सॉरी, तो कहां करूंगा, यहां पे, तो मैं इसको बोलूंगा पॉइंट बी, या इसको बोलूंगा एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है उसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है जी। अब यहीं से शुरुआत होगी हमारी शिफ्ट्स और रोटेशन की, शिफ्ट्स और रोटेशन की। इसको इजी करने के लिए समझ रहे हैं कि अगर इफ एनी वन ऑफ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मूव्स, वो अपनी जगह से हिलता है, तो हम उसको बोलते हैं रोटेशन। हम उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन इन पीपीसी या रोटेशन ऑफ पीपीसी। क्लियर है जी। सेकेंड, अगर इफ बोथ That is x intercept and y intercept moves together in one direction, तो उसको बोलेंगे बेटा shift of PPC या shift in PPC। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये है मेरा पीपीसी वन, क्लियर। अब अगर सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट हिला, सॉरी वाई इंटरसेप्ट हिला, इसका मतलब ये ए से हो गया सी, तो हम इसको बोलेंगे रोटेशन। क्या बोलेंगे बेटा, रोटेशन, यानी कि ए टू सी, तो ये क्या हो गया, रोटेशन। और अगर मैं बोलता हूं बी से डी चला गया, इन दोनों में से कोई एक हिला, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशन। क्लियर है जी। लेकिन अगर मेरा ए से सी एंड बी से डी एक साथ शिफ्ट होता है, यहां देखो बेटा वर्ड क्या है, यहां एलिमेंट है और, यहां पे एलिमेंट है एंड, तो इसको बोलेंगे शिफ्ट ऑफ पीपीसी। क्या बोलेंगे, या शिफ्ट इन पीपीसी। क्लियर है। अब ये मैंने आपको लेफ्ट वर्ड दिखाया है रोटेशन एंड शिफ्ट, ये ऐसा सेम राइट वर्ड के लिए भी एप्लीकेबल था, ठीक है जी। तो चलो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेस के बाद। तो ये था हमारा बेसिक, अब हम पढ़ेंगे ये रोटेशन और शिफ्ट होती क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब अगर हम याद करें कि हमने एजम्पशंस पढ़ी थी पीपीसी की, जिसके अंदर हमने ये बोला था कि रिसोर्सेज आर गिवन एंड कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट, यानी कि वो नहीं हिल रही हैं, तभी हम पीपीसी बना पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल कितना है। क्लियर है। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं, देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज, देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है, या तो रिसोर्सेज डिस्कवर हो रहे हैं या रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, या तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है और टेक्नोलॉजी इज गेटिंग ऑब्सोलीट, या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट यानी कि आउटडेटेड हो रही है। तो जब भी इनमें से कोई भी केस सरवाइव करेगा तो वो हमारा क्या होगा,
लीड करेगा या तो शिफ्ट में या फिर रोटेशन में, या तो शिफ्ट में या फिर रोटेशन में। आइए देखते हैं कैसे। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले शिफ्ट्स इन पीपीसी। हम इसमें बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज फॉर एक्स एंड वाई आर डिस्कवर्ड, या इसको बोलते हैं न्यू रिसोर्सेज फॉर एक्स एंड वाई आर डिस्कवर्ड। तो क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए ये है मेरा ए बी इनिशियल पीपीसी, कह रहा है तो रिसोर्सेज जब एक्स और वाई दोनों पर डेवलप हुए तो इसका मतलब हमारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। तो इसका मतलब मेरा जो न्यू पीपीसी आया वो बन गया सी डी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। अब चाहे वो रिसोर्सेज हैं, एंड सेम इज फॉर टेक्नोलॉजी। तो अगर न्यू टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई हुई या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, क्या हो गई, अपग्रेडेड, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो उसमें भी हमारे पास सेम केस बनेगा, वी वुड हैव अ राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। इसको फॉरवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कहते हैं रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी फॉर बोथ एक्स एंड वाई हैव डिप्लीटेड, या हो गए वो ऑब्सोलीट, कि अब वो उस काम के नहीं रहे, उनकी वो वैल्यू नहीं रही, उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं रही, तो क्या होगा, फिर से बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है मेरा ओरिजिनल पीपीसी ए बी, अब मेरा न्यू पीपीसी क्या होगा, मेरा न्यू पीपीसी आएगा सी डी, क्या आएगा सी डी, क्योंकि रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी या दोनों चीजें हमारी डिप्लीट हो गई या खत्म हो गई, तो यानी कि दोनों गुड्स की हमारी जो कैपेसिटी है एक्स और वाई, उन दोनों की कमोडिटी की कैपेसिटी घट गई। अब यहां पे कॉमन चीज है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप यहां पे गुड वन गुड एक्स, गुड गुड टू गुड वाई, आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर है, दैट इज एज पर योर कन्वीनियंस। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि गुड वन और गुड टू की कैपेसिटी बढ़ गई, पोटेंशियल बढ़ गया, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट। यहां पर गुड वन और गुड टू उन दोनों की कैपेसिटी घट गई, तो यहां पे क्या गया हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या हम इसको बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर है जी। अब इसके बाद ये थे हमारे शिफ्ट्स के कॉन्सेप्ट, अब हम चलेंगे किस पे, रोटेशंस पे, किस पे, रोटेशंस पे। आप रोटेशंस ऑफ रोटेशन इन दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं पीपीसी के लिए, ये सब अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। अब देखिए हमारी रोटेशन कैसे होगी, अब या तो वो होगी एक्स एक्सिस पे या होगी वाई एक्सिस पे, मैंने आपको बताया जब एक इंटरसेप्ट लेगा। तो देखिए अगर मैं कह रहा हूं रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी फॉर गुड वन कह देते हैं, ठीक है जी, हैव बीन डिस्कवर्ड, तो क्या होगा, हमारा जाएगा राइटवर्ड रोटेशन। तो हमारा पीपीसी कैसे बनेगा, यहां पे ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे हम गुड वन, यहां पर ले रहे हैं गुड टू। तो अब ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हमारा इनिशियल पीपीसी था ए बी, हमारा इनिशियल पीपीसी कितना बेटा है ए बी, अब हम कह रहे हैं कि गुड वन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी या दोनों चीजें बढ़ गई, तो क्या होगा, ये हो गया बेटे राइटवर्ड रोटेशन, या लिख देता हूं आपके लिए इजी रहेगा, ये क्या हो गया राइटवर्ड रोटेशन,
कहां पे? फॉर गुड वन, फॉर गुड वन। तो हमारा न्यू पीपीसी क्या आया? हमारा न्यू पीपीसी आया ए सी, ए पॉइंट वही है और ये क्या हो गया सी। क्लियर है जी। अब ये था एक्स के लिए यानी कि गुड वन के लिए। अब हम इसको करेंगे सेम गुड टू के लिए। किसके लिए करेंगे? गुड टू के लिए। तो हम कह रहे हैं रिसोर्सेस एंड या और टेक्नोलॉजी फॉर गुड टू हैव बीन डिस्कवर्ड या अपग्रेडेड। तो क्या होगा हमारे वाई एक्सिस पे यानी कि गुड टू का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल दिस, हमारा इनिशियल पीपीसी कितना क्या है बेटे? ये है ए बी। अब क्या हुआ हमारे बी का पोटेंशियल गुड टू का पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया। तो हमारा न्यू पीपीसी आ गया बेटे सी बी। ए बी से क्या हो गया सी बी। तो इसको हम फिर से क्या बोलेंगे? ये क्या था? राइटवर्ड रोटेशन फॉर गुड वन। इसको बोलेंगे राइटवर्ड रोटेशन फॉर गुड टू। अब कई कई बुक्स में आप देखेंगे कि ऐसा हम बोल देते हैं दिस इज राइटवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, राइटवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, राइटवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड राइटवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब हम चलेंगे लेफ्टवर्ड। अब लेफ्टवर्ड क्या करता है? हम यहां पे डिस्कवर्ड की जगह कर देंगे डिप्लीटेड या ऑब्सोलीट। क्या कर देंगे? डिप्लीटेड या ऑब्सोलीट। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारा बेटा इनिशियल पीपीसी क्या है? ए बी। जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गए या खत्म हो गए तो हमारा न्यू पीपीसी क्या आएगा? हमारा न्यू पीपीसी आएगा ए सी। इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड रोटेशन फॉर गुड वन या ऑन एक्स एक्सिस। तो ये क्या था हमारा? गुड वन और ये बेटा हमारा गुड टू। तो ये क्या हो गया? लेफ्टवर्ड रोटेशन। इसी तरीके से होगा वाई के लिए। अगर गुड टू के लिए हमारे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी डिप्लीट हो जाते हैं एक्स एक्सिस पे आगे बेटे गुड वन या आगे बेटे गुड टू। ये क्या कह जी? गुड टू। अब हम कह रहे हैं कि ये है हमारा इनिशियल पीपीसी, क्या है? ए बी। अब गुड टू के लिए हमारे वाई एक्सिस पे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, ऑब्सोलीट हो गई या डिस्ट्रॉय हो गए रिसोर्सेज। तो अब हमारा हो जाएगा सी बी। क्या हो जाएगा? सी बी। इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड रोटेशन फॉर गुड टू या बोलेंगे लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है जी। तो ये थे बेटा हमारे कॉन्सेप्ट्स शिफ्ट और रोटेशन के। क्लियर है जी। अब ये हमारे क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।